गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आप लोग के साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक चारकोल पील ऑफ मास्क का। और ये पील ऑफ मास्क बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि ये इंस्टेंट हमारे स्किन से जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज है उसे निकाल देता है, और हमें टैनिंग हो गई है तो उसे भी निकालने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं। सो गाइस इसको यूज करने के लिए बस एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको यूज करना होता है और अप्लाई करके रखना होता है इसको 20 मिनट्स के लिए। अगर 20 मिनट्स में ड्राई ना हो तो आप इसे 30 मिनट्स तक वेट कर सकते हैं कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, देन उसके बाद आप इसे पील ऑफ करके निकाल सकते हैं। और ये अब इतने छोटे पैकेज में आ गया और इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा कम है। ये इसकी प्राइस जो है 42 यहाँ पे मेंशन की गई है, बट आपको इजिली 30 रुपीज के अंदर मिल जाता है। चाहे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप किसी भी लोकल स्टोर से इसे परचेज कर। पील ऑफ मास्क करता क्या है? सो गाइस ये एंटी ब्लैक हेड्स के लिए बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ भी बनाता है, और आपकी स्किन से जितने भी डर्ट इम्प्योरिटीज है वो उसको बहुत ईजिली रिमूव कर देता है। अगर आप इसे समर सीजन में यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप इसको वीक में एटलीस्ट 1 टाइम तो यूज कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर वीक यूज करना है, ऐसा नहीं है। बट आपकी स्किन जब बहुत ही ज्यादा डल लग रही है, बहुत ही ज्यादा आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन समर में बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाती है, बहुत ही डर्ट इम्प्योरिटीज हो जाते हैं, तो उसे ये निकालने 5 ml की इसकी क्वांटिटी है। और आप इसे इजिली अगर आप एक साथ दो लोग यूज करना चाहते हैं तो आप इसे 2 लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। बस ये दिक्कत है कि आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो गाइस ये जो है पील ऑफ मास्क, इसको आपको 15 to 20 मिनट्स के लिए रखना होता है ड्राई करने के लिए, और उसके बाद आपको जो पील ऑफ करके निकालना है वो टॉप टू बॉटम निकालना है। अगर आपको इसके साथ साथ फेशियल हेयर भी रिमूव करना है तो आपको बॉटम से टॉप साइड निकालना है, तो आपके जो फेशियल हेयर्स हैं, जो मतलब बेबी फेशियल हेयर्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, वो इजिली रिमूव हो जाएंगे। ऐसे तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो पूरे तरीके से रिमूव हो जाएंगे, बस जो छोटे छोटे फेशियल हेयर्स होते हैं, जो न्यू होते हैं फेशियल हेयर्स हमारी स्किन में, वो इजिली रिमूव हो जाते हैं इस पील ऑफ मास्क से। ये एक चारकोल पील ऑफ मास्क है, तो आप जानते ही हैं कि चारकोल पील ऑफ मास्क कितना इफेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए, चारकोल कितना अच्छा होता है डर्ट इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, और डीप क्लीन करता है हमारी स्किन को, और हमारी स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज है, अगर हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं तो उसे अनक्लॉग करने में भी हेल्प करते हैं, और डीप क्लीन करता है हमारी स्किन को ताकि जो हमारी स्किन से डर्ट इम्प्योरिटीज और जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारे की सारे रिमूव हो जाए। तो गाइस इस फेस मास्क को मैं अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ और 20 मिनट्स बाद इसे पील ऑफ करके भी दिखाऊंगी। सो गाइस वीडियो को देखती रहिए। तो गाइस चलिए इस पैकेट को हम कट कर लेते, तो एक कट का साइन होगा वहां से आपको इस पैकेट को कट कर लेना है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जिप लॉक दिया हुआ है, तो आप जिप लॉक को ओपन करके आपको जितना प्रोडक्ट यूज करना है आप उतना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इसे जिप में लॉक करके आप रख सकते हैं इसको। सो गाइस मैं यहाँ पे किसी ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फिंगर टिप से ही अपने फेस पे पूरा इसे फिर चारकोल पील ऑफ मास्क को अप्लाई करूंगी। और हाथ से अप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और ठीक भी लगता है कि आपको पता चलती है कि इसकी क्वांटिटी, मतलब हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे फेस के लिए इक्वल है और सब जगह इक्वली स्प्रेड हो जाता है। अगर आप हैंड से कर रहे हैं और ब्रश से कर रहे हैं तो उतना ज्यादा आपको पता नहीं चलता है, तो आपको इवनली लेयर लगाना है अपने पूरे फेस पे ताकि ये इवेंटली मतलब एक साथ ही ये ड्राई हो जाए और आप एक साथ ही इसे पील कर पाए, कहीं ठीक होगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगा पील ऑफ करने में इस मास्क को, तो इधर आप अपने फेस पे स्प्रेड करते जाए। एंड गाइस आप इस बात का ध्यान रखें कि ये पील ऑफ मास्क आप अपने ड्रेस पे ना लगाएं और कहीं भी ऐसे जगह में मत लगाइए जहाँ पे आपको इसका यूज नहीं है, क्योंकि ये बाद में जब आप इसको वॉश करते हैं वाटर से तो ये बहुत ही गंदा सा निकलता है, इसलिए आपको ये जब ड्राई हो जाए तब उसके बाद ही पील ऑफ करना होता है। ये भी एक रीज़न है कि इसको ड्राई होने के बाद पील ऑफ करना होता है, क्योंकि आप ऐसे अगर वॉश कर देंगे तो आपसे ये ईजिली रिमूव होगा ही नहीं। सो गाइस ये बात का ध्यान रखें आप कि आप कहीं भी अपने हाथ पैर में मत लगाइए, अपने सिर्फ फेस पे लगाइए और ड्राई होने के बाद इसे पील ऑफ करके निकाल दीजिए। एंड गाइस इस चारकोल पील ऑफ मास्क में एक कूलिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको फील होगा कि आपकी स्किन बर्न हो रही है, बर्निंग सेंसेशन आपको लगेगा, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कूलिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि बर्निंग हो रही है आपकी स्किन और आपके आई से आंसू भी आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। और ये जब आप इसे ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जब 5
6-7 मिनट्स हो जाते इसे अप्लाई किए हुए, तो बर्निंग सेंसेशन खुद ही अपने आप ही चल देती है हमारी स्किन से। और उसके बाद जब पील ऑफ मास्क ड्राई हो जाता है तो आपकी जो पील ऑफ मास्क है वो खींची खींची लगेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पील ऑफ मास्क है पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। देन उसको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। एंड गाइस, आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने आई एरर ना लगाएं, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं। और मेरे आँख से जैसे कि आंसू आने लगे थे, मैंने आई अराउंड अप्लाई कर लिया था थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो आपको आई अराउंड अप्लाई नहीं करना है, आपको लिप पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों एरिया बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं। और आपको अपने नेक में अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि नेक में भी डर्ट इम्प्योरिटीज होती है। ऐसा नहीं कि सब हमारे फेस की स्किन में डर्ट इम्प्योरिटीज होते हैं, सो आपको नेक में भी अप्लाई करना है, ताकि जब आप पील ऑफ करें तो आपकी जो नेक और फेस की स्किन है वो दोनों ही इवेनली लगे और आपको कोई भी डिफरेंस नजर आना आए आपके नेक और आपके फेस की स्किन में। सो गाइस, मैंने फेस मास्क को अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब हम मिलते हैं 20-25 मिनट्स बाद। सो गाइस, 25 मिनट्स बाद जो मेरे पील ऑफ मास्क था पूरे अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था, तो मैं इसे अब पील ऑफ करूंगी। सो गाइस, इस पील ऑफ मास्क को एक सही डायरेक्शन में आपको रिमूव करना है। आप चाहे टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप, सो मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। इससे आपके फेशियल हेयर रिमूव नहीं होंगे, बट फिर भी ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन था, इसलिए मैं ऐसे ही रिमूव कर रही हूँ। सो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रिमूव करना है, आपको एकदम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पकड़ के खींच देना है कि एक ही साथ रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको रिमूव करते जाना है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में ऐसे होंगे जहाँ पे पील ऑफ मास्क आपका अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएगा, जैसे कि मेरे फेस पे दिख रहे थोड़े बहुत, तो जो रिमूव नहीं हो पाएगा उसको आपको जबरदस्ती रिमूव नहीं करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हल्के हाथ से आप रिमूव कर लीजिए, और रिमूव करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना है। देन उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और क्लियर फील करेगी, क्योंकि डर्ट इम्प्योरिटीज तो निकल चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।